जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2021 के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद आपकी भर्ती का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर अभी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को नहीं देख सकते, बट अगर मैं आपको यहां पर इंप्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के आऊं और यहां पर जो आपका 17 से 23 जुलाई 2021 का एडिशन है, इसके पेज नंबर 32 पर आप यहां पर इस भर्ती का अनाउंसमेंट देख सकते हैं। यहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, आप लोग देख लीजिए। कांस्टेबल GD इन CA PF NIA SSF राइफलमैन GD इन असम राइफल, ये सब डिपार्टमेंट है जहां पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि कब से इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो आप लोग 17 जुलाई 2021 से लेकर के 31 अगस्त 2021 तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। जी हां दोस्तों, यानी कि कल से इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहे हैं। और यहां पर दोस्तों आपकी जो फॉर्म को लेने की रिसीप्ट है वो भी 31 अगस्त 2021 रखी गई है। ऑनलाइन माध्यम से फीस को जमा करने की डेट लास्ट आपकी 2 सितंबर 2021 है और ऑफलाइन वे में अगर आप चालान के माध्यम से फीस को जमा करेंगे तो आपकी लास्ट डेट 4 सितंबर 2021 रखी गई है। और दोस्तों बात करें आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टियर फर्स्ट की, तो इसकी डेट आपको टाइम आने पर बता दी जाएगी, अभी आपको कोई भी डेट नहीं दी गई है। अब चलिए इसके एलिजिबिलिटी के बारे में और वैकेंसी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर आप ये देख लीजिए कि इस पर आपको क्या सैलरी दी जाएगी। आपको जो सैलरी दी जाएगी वो लेवल 3 के अंतर्गत आती है, जो कि आपकी 21,700 रुपए से लेकर के 69,100 रुपए होने वाली है। फिर यहां पर दोस्तों आपकी जो अन्य डिटेल है वो भी हम यहां पर आपको देने वाले हैं। इसके अलावा आप यहां पर ये देख लीजिए कि एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी कि आप ऑनलाइन माध्यम से इस फॉर्म को भर पाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में किया जाएगा। फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट यानी कि PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST, डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम, रिव्यू मेडिकल एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय CA PF, यानी कि ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस के राउंड होने वाले हैं। इसके बाद यहां पर नीचे आपकी मेल फीमेल वाइज वैकेंसी दी जा रही है। इस तरफ आप मेल की वैकेंसी देख सकते हो जो कि यहां पर टोटल आपको 22,424 देखने को मिल पा रहा है, और इस तरफ आप फीमेल की वैकेंसी देख सकते हो जिसका टोटल आपका यहां पर 25,271 दिया गया है। अभी यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है और मुझे भी है, आपको भी होगा, कि इसमें ये जो टोटल वैकेंसी है वो मेल फीमेल की अलग अलग है या फिर टोटल वैकेंसी 25,271 ही है। बट मुझे लगता है कि एक तरफ फीमेल की है और दूसरी तरफ एक तरफ मेल की है और दूसरी तरफ फीमेल की, तो अलग अलग वैकेंसी है। कुल मिलाकर के जो इनका टोटल आएगा वो टोटल वैकेंसी आपकी GD कांस्टेबल की निकाली गई है। इसके बाद दोस्तों यहां पर जो आपकी एज लिमिट है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी एज लिमिट की ही है। तो यहां पर आप देख लीजिए एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल के बीच रखी गई है, जो कि आपकी 1 अगस्त 2021 तक काउंट की जाएगी। यानी कि अगर आपकी उम्र 1 अगस्त 2021 तक 18 साल से कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आपकी उम्र 1 अगस्त 2021 तक 23 साल से ज्यादा है जनरल कैटेगरी से होकर के तो अब तब भी अप्लाई नहीं कर सकते। या अगर आप डेट ऑफ बर्थ वाइज चेक करना चाहते हैं तो अगर आपका जन्म 2/8/1998 से लेकर के 1/8/2003 के बीच में कहीं पर भी हुआ है किसी भी डेट में तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ये जो यहां पर 2/8/1998 से लेकर 1/8/2003 की एक एलिजिबिलिटी है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है, क्योंकि SC ST को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आप यहां पर देख भी सकते हैं 5 साल की छूट दी जाएगी और OBC कैटेगरी को 3 साल की छूट एज लिमिट के अंदर दी जाएगी। यानी कि जो OBC कैंडिडेट है वो 26 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे और जो SC ST कैंडिडेट है वो 28 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे। अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, जिसकी एज ऑन डेट भी आपकी 1 अगस्त 2021 रखी गई है। तो यहां पर आपको बोला है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आपसे अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है, और जो आपकी 10वीं है ये आपने 1 अगस्त 2021 से पहले कंप्लीट कर लियो। अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 1 अगस्त 2021 के बाद में कंप्लीट होगी या फिर होएगी तो आप लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। जो अभी अपीयरिंग कैंडिडेट है उनकी क्वालिफिकेशन 10वीं 1/8/2021 तक 2021 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिनकी इसके बाद में होगी वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये भी आपको आई होप जो क्वालिफिकेशन का डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। यहां पर आपको 7.2 के अंदर ये भी बोला है कि कैंडिडेट्स हु
यू हैव नॉट एक्वायर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट टू अप्लाई। यानी कि जो मैंने आपको अभी बोला है वो यही है कि जिनकी क्वालिफिकेशन 1/8/2021 तक कंप्लीट नहीं होती दसवीं की, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते और उनको अप्लाई करने की कोई भी आवश्यकता इसमें नहीं है। आई होप जो आपकी क्वालिफिकेशन का डाउट है वो भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई और डाउट निकल के आता है क्वालिफिकेशन को लेकर के, किसी और वे में सवाल आपका है क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो आपको अप्लाई करना है वो आपको SSC की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही अप्लाई करना होगा, जो कि जैसे ही आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आप अपनी एप्लीकेशन फीस भी देख लीजिए। एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है जनरल OBC को। जो वुमेन यानी कि फीमेल कैंडिडेट है और जो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं और एक्स सर्विस मैन है, इनको अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है, ये फ्री में आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इनको अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। और जिन कैंडिडेट को फीस पे करनी है उनके लिए लास्ट डेट आपकी यहाँ पर 2 सितंबर 2021 रखी गई है। अगर आप चालान के माध्यम से फीस जमा करोगे तो आपके लिए 7 सितंबर 2021 लास्ट डेट रखी गई है। और दोस्तों बात करें आपके स्कीम ऑफ एग्जामेशन यानी कि एग्जाम पैटर्न की, तो जो आपका एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पार्ट ए के अंदर रखा है, जिससे 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स आएंगे। पार्ट बी के अंदर जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है, जिसके लिए आपको 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स दिए जाएंगे। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है और पार्ट डी में इंग्लिश और हिंदी है, यानी कि जो लैंग्वेज आप चूज करोगे उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। एग्जाम करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे का समय आपके पास रहेगा। और आपके सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होंगे, जिसको आप हिंदी में बहुविकल्पीय बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में भी जानकारी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर टॉपिक वाइज सिलेबस की बात करें तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के अंदर जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन टॉपिक से तैयार किए जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपके टॉपिक्स जो होने वाले वो नंबर्स, फंडामेंटल, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, इन सभी टॉपिक से होने वाले हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर जो आपके सिलेबस है उसकी पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। इसके बाद दोस्तों जब आपका ये एग्जाम हो जाएगा, आपका फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसमें क्या रहेगा इसकी जानकारी भी आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर रेस होगी मेल कैंडिडेट के लिए जो कि 5 किलोमीटर की रहेगी, जो कि आपको 24 मिनट में पूरी करनी होगी। फीमेल के लिए 1600 मीटर की होगी, जो कि आपको 8.5 मिनट के अंदर पूरी करनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मेल से 1600 मीटर की दौड़ भी होगी, जो कि आपको 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी। और फीमेल से 800 मीटर की दौड़ होगी, जो कि 4 मिनट में पूरी करनी होगी। जो कैंडिडेट लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा छूट टाइमिंग के अंदर दी जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो हाइट यहाँ पर मेल की 170 सेंटीमीटर कम से कम रखी है और फीमेल की 157 सेंटीमीटर रखी है। जो कैंडिडेट ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी मेल में हाइट 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल में 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि उनको यहाँ पर जो हाइट है उसके अंदर छूट दी जा रही है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये जानकारी भी मिल चुकी है। और चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट में बिना फ्लाई चेस्ट 80 सेंटीमीटर और फुला करके 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है और फीमेल से चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी इसके बारे में पूरी जानकारी। आई होप यहाँ पर आपको सब कुछ जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।